हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स कैसे बनाने हैं लेसन प्लान के। अगर आप भी लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आज मैंने आपके लिए 3 इंट्रोडक्शन जो पार्ट है टॉपिक के ऊपर बनाया है, 3 टॉपिक के ऊपर। पहला मैंने बनाया है ग्रेविटेशन के ऊपर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन के ऊपर जो लेसन प्लान के जो इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरीके से बनाने हैं। तो सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है ग्रेविटेशन, क्लास है 9th। 9th क्लास के लिए ये लेसन प्लान है, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। तो हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके, जैसे मैंने यहाँ पर पूछना है पहले कि वॉट इज़ दिस, ये क्या है, या तब हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट लेके पूछ सकते हैं तो उन लोग जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। सेकंड पूछने कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई ड्रॉप इट, कि अगर मैं इसे ड्रॉप करूँगी तो क्या होगा। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे इट विल ड्रॉप ऑन फ्लोर, कि ये गिर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है डज इट फ्लाई इन एयर, क्या ये हवा में उड़ जाएगा। तो स्टूडेंट बोलेंगे नो, नहीं ये नहीं होगा। तो फिर लास्ट क्वेश्चन पूछना है डू यू नो द रीज़न बिहाइंड दिस, कि किसके पीछे क्या रीज़न है, ये नीचे ही क्यों गिरेगा कोई सामान, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमें फिर अपना टॉपिक अनाउंसमेंट करना है कि सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक ग्रेविटेशन। चलिए अब है सेकेंड है लेसन प्लान एंड वाई डू वी फॉल इन। तो क्लास है 9th, टॉपिक है वाई डू वी फॉल इन। चलिए अब देख लेते हैं हम बीमार कैसे पड़ते हैं, इस पर जब हम क्वेश्चन बनाना है। तो हम सबसे पहले बच्चों से पूछना होगा कि क्या आप कभी बीमार पड़े हैं। तो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे यस। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछना है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फॉल इन, आप क्या करते हो जब आप बीमार पड़ जाते हो। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे ऑब्वियसली कि हम हॉस्पिटल जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर इल, अब कैसा लगता है जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको किस तरीके से लगता है। तो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे कि हमें हेडेक होता है, या तो जिस तरीके से वो रिप्लाई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछना है लास्ट वाला व्हाई डू यू फॉल इल, कि मतलब बीमार तो हम लोग पड़ते हैं पर इसका रीज़न क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसका भी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक है। या तो ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, या तो एक और भी मैंने बनाया है इसके लिए, इसको निकालने के लिए, टॉपिक को निकालने के लिए। तो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए यू कैन मेक इंट्रोडक्शन इन अदर वे, यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, आप रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से पूछना है। चलिए देखिए टीचर का सेक्शन स्टूडेंट का, पहले टीचर पूछेगी व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी पर्सन, कि हेल्दी पर्सन से आप क्या जानते हैं, हेल्दी पर्सन कौन होता है। तो बताएंगे स्टूडेंट अपने अपने तरीके से कि हेल्दी पर्सन वो होता है जो बीमार नहीं पड़ता ज़्यादा। सेकंड व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी ईट टू कीप हेल्दी, हमको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो बताएंगे कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछना है व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट पे अटेंशन टू अवर हेल्थ, अगर हम अपने हेल्थ के प्रति अगर हम लोग अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट बोलेंगे हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। बट वाई डू वी फॉल इल लास्ट क्वेश्चन है कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं, क्यों पड़ेंगे, क्या रीज़न है हमारे बीमार पड़ने का। तो स्टूडेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना जो है टॉपिक अनाउंस कर सकते हैं इस तरीके से, आप या तो पहला वाले तरीके से आप यूज़ कीजिए, या फिर दूसरे तरीके से ये वाला जो है आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अगर आपको भी लेसन प्लान में आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसके जो टिप्स देख सकते हैं किस तरीके से आपको बनाना है, आप वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके।
चलिए, अब है क्लास सेवेंथ का टॉपिक है थर्मोमीटर। एक्चुअली तो टॉपिक है हीट, तो इसका सब टॉपिक आप समझ जाइए थर्मोमीटर है, क्योंकि टॉपिक से उसमें हीट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, थर्मोमीटर से ही इसमें रिलेटेड दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन, मैंने 5 to 6 क्वेश्चन ऐड किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें पूछना है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन विंटर सीजन। तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर सीजन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ फैन एंड कूलर्स इन समर सीजन, हम क्यों यूज़ करते हैं समर सीजन में फ़ैन और कूलर क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे कि हमें गर्मी लगती है इसलिए। हाउ डू वी नो इफ ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, हम किस तरीके से जान सकते हैं कि कोई जो चीज़ है वो गर्म है, हॉट है, किस तरीके से जान सकते हैं। तो स्टूडेंट बोलेगा वी कैन टच इट, वी कैन टच मतलब बता सकते हैं कि हम उसको टच करके देख सकते हैं कि हाँ वो गर्म है या ठीक फिर ठंडा है। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन पूछना है ओके कैन वी टच वेरी हॉट सब्सटेंसेज एंड कैन यू एग्जैक्टली इट्स टेम्परेचर। तो स्टूडेंट जो टीचर है पूछेंगे कि क्या हम जो बहुत गर्म जो चीज़ है उसको भी छू सकते हैं, हाथ से टच करके उसको, उसका जो टेम्परेचर है उसको पता लगा सकते हैं कितना है। तो स्टूडेंट बोलेगा नहीं, वैसे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गर्म पानी है, तो कुछ भी गर्म जो बहुत गर्म होता है उसका तो हम हाथ से नहीं छू सकते, उसका टेम्परेचर हम नहीं पता कर सकते। तो फिर हमें पूछना है सो वॉट वी कैन यूज़ टू मेज़र हीट, तो हम उस तो क्या यूज़ कर सकते हैं अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है तो हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे थर्मोमीटर इज यूज़ की थर्मोमीटर उसको से हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तो लास्ट क्वेश्चन पूछना है डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर देयर एंड हाउ टू यूज़ इट, क्योंकि हमारे टॉपिक में जो हीट वाले टॉपिक में है उसमें सारा दिया हुआ है कि थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है और कितने टाइप के थर्मोमीटर हैं। तो हमें ये लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको पता है कितने टाइप के थर्मोमीटर हैं और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक जो है इसको अनाउंस कर सकते हैं। तो देखिए आपने कितने आसान तरीके से जो है हमने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट बना लिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।